ओके स्लाइड नंबर जो है ना हमने 8 से स्टार्ट करना है, 7 तक हम लोगों ने कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आके आप थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो मज़ेदार होंगी स्लाइड नंबर 8 से। रीज़न बीइंग कि अब जो हम बातें पहले कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, अब वो एक्चुअल देखने को मिलेंगी कि वो क्लासिफिकेशन है क्या। तो अब हमने पहली पढ़ी थी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, जब हमने पढ़ा था ऊपर जाके ना ये वाला। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हेड, कि हेड जो है वो क्या होता है। देखो पहले तो मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जो है ना वो दिखा सकूँ कि बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना ये होता क्या है। बेसिकली ये रिवर बना होता है, ठीक है, ये जो बेसिकली वॉल है ये पानी को रोकती है। मैं आपको इधर साइड पे साथ में बना के भी दिखाऊंगा अभी। ये डायग्राम बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड सी है ये, बाद में एक्सप्लेन करूँगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। मैं इसको मैक्सिमाइज मज़ीद कर दूँ ये, ठीक है। मैं जो ये वाली डायग्राम है ऑन योर राइट, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, इट्स वेरी सिंपल डायग्राम, ठीक है। पहले मतलब इसको एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या करता है। देखो एक रिवर होता है, रिवर के अंदर आप एक पूरी दीवार खड़ी कर लेते हो, ठीक है ना। ये जो अंदर हिस्सा दीवार का जो है ये बीच में बना हुआ है ना, ये बेसिकली इतना बड़ा नहीं होता बाय द वे, ठीक है ना। होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता। दीवार बनती है, ठीक है, दीवार के अंदर थोड़ा सा ना बीच में जो है ना वो क्या कह लो कि इनलेट्स होती हैं वहाँ पे ना, कि अब वहाँ से जो है ना पानी को अंदर लाने का ऑप्शन होता है। और इसके ऊपर जो है वो गेट भी लगा होता है इसके ऊपर। अब जब चाहो गेट को बंद कर देते हो, जब आपने पावर ना बनानी हो गेट को बंद कर दोगे, रिवर पीछे का पानी भी जो है वो पीछे खड़ा हो जाएगा। जब आपने चलाना होगा इसको, आप गेट को लिफ्ट करोगे और जो है दोबारा से जो है ना वो पानी इसके अंदर जाएगा और टर्बाइन यहाँ पे लगी हुई है, टर्बाइन को घुमाएगा और इसको घुमाने से ये ऊपर जो लगा हुआ है ये जनरेटर है, जब ये घुमाएगा ना इसको तो ये वही जो है ये क्या है, ये वही कंडक्टर है जो आपने लास्ट टाइम विंड में पढ़ा था। कि कंडक्टर का काम सिर्फ क्या होता है कि इसके जनरेटर के अंदर बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसने घूमना है तो अपने आप क्या बनेगी, उससे बिजली बनेगी, सही है ना। तो इसने आना है, टर्बाइन इसके अंदर लगी हुई, टर्बाइन को घुमाना है। टर्बाइन जब घूमेगी तो क्या घूमेगा, ये जो कंडक्टर ये घूमेगा। कंडक्टर जो है इस टाइम जो है यहाँ से होता हुआ कहाँ जा रहा है, जनरेटर, ये जनरेटर लगा हुआ है, इसने जो है ना मार्क नहीं किया हुआ इसके अंदर, इसको लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन दिस इज़ जनरेटर। जनरेटर के अंदर जो है ऑलरेडी एक जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है ना। उसके अंदर जो है ये भाई साहब घूमेंगे, ठीक है, और उससे जो है क्या बनेगी, बिजली बनेगी, सही है। और पानी जो है वो टर्बाइन को घुमाने के बाद यहाँ से निकल के दोबारा से जो है रिवर चला जाएगा पानी, सही हो गया। ये पूरी स्कीमेटिक है इसकी हाइड्रो पावर प्लांट की। मैं दोबारा बोल दूँ इसको, पहले रिवर था, अंदर आपने दीवार कंस्ट्रक्ट की, दीवार के अंदर जो है गेटेड आपने एक होल दिया, एक इनलेट दिया, ठीक है ना। इन गेटेड इनलेट से जो है पानी आता हुआ टर्बाइन के ऊपर गिरा। ये जो है बेसिकली जो बना हुआ ना बीच में ये पाइप होता है, इसे हम बोलते हैं पेन स्टॉक, PEN, पेन STOCK। मैंने पहले बोला हुआ शायद क्लास के अंदर, लेकिन बारह अगर नहीं उस टाइम सुना था तो आप सुन लो कि ये इसको पेन स्टॉक बोलते हैं। ये अगली डायग्राम्स में, अगली स्लाइड्स के अंदर ये लेबल होगा। ये पेन स्टॉक से पानी आता है, टर्बाइन के ऊपर गिरता है, टर्बाइन घूमती है तो उसके साथ एक कनेक्टर घूमता है। ये घूमता है, इसका एक सिरा होता है टर्बाइन के साथ लगा हुआ और दूसरा सिरा इसका होता है किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। जब ये उसके अंदर घूमता है तो जब कनेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमे तो क्या बनता है, उससे लाइट बनती है। तो बेसिकली लाइट जो है यहाँ से, हम फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है बनती है, और जो पानी जो है टर्बाइन को घुमा रहा है वो यहीं से होकर नीचे वाले पाइप से निकलता हुआ, जो इसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ये होता है क्या, पेन स्टॉक, और ये क्या होती है, ये होती है ड्राफ्ट ट्यूब। यहाँ से पानी निकल के जो है दोबारा से जो है ना दरिया के अंदर आ जाता है, रिवर के अंदर आ जाता है पानी। अब ये है मजीद उसकी जो है ना जरा एक 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 मजीद इसका जो है ना वो बेहतर किस्म का इसकी डायग्राम है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होता है, ये जो वॉल बनी हुई है, ये उसने वॉल आपको पूरी दिखाई हुई है, ठीक है ना, ये बनी हुई, ठीक है। नीचे उसके जो है ना गेट है, ये वाले गेट्स बने हुए, और ये ऊपर क्रेन है जो गेट्स को जो है ना वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है ना वो करती है। यानी कि उसी क्रेन की वजह से आप इसे खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, और ये इतना हैवी होता है कि क्रेन के बगैर जो है इसको आप खोल बंद नहीं कर सकते, सही है। तो इसे हम बोलते हैं गेंट्री क्रेन, जो कि इसको लिफ्ट करती है इस गेट को। पानी इसके अंदर यहाँ से जाएगा, ये बेसिकली वो ट्यूब है जिसको मैंने यहाँ पे ये शो करवाया था, ठीक है ना। ये ट्यूब जो है ये यही वाली है, सही है। ये ट्यूब से पानी आता है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है पानी जो है ये घुमाता है इस टर्बाइन को, ठीक है। यहाँ पे टर्बाइन अभी लिफ्ट हुई है, ठीक है, ये टर्बाइन जो है अभी लिफ्ट हुई है, यहाँ पे दिखाया हुआ लिफ्ट हुई है। जब हमने इसको खोलना है तो इसको हम नीचे कर देंगे यहाँ पे इन लाइन विद द वाटर,
जब एक ट्रेन, ये यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्रेन नीचे की तरफ आई हुई है, थोड़ा सा उसको नीचे कर देंगे क्रेन को। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहरहाल ये वो टर्बाइन है जिसके ऊपर आके पानी लगता है। वंस पानी यहाँ से आता है, पानी इसको घुमाता है, ठीक है ना, और घुमाने के बाद पानी जो है यहाँ से, ये इस वाले पाइप से होता है जिसको मैंने ड्राफ्ट ट्यूब बोला हुआ है, यहाँ से होकर पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब छोड़ो उस बात को, वो जो है ना, वो मैंने पहले की थी कि जी, अभी मैंने जो की थी बात की जी, ये जो टर्बाइन है ये इसको लिफ्ट और वो सारा कुछ, बेसिकली वो बात है ये कि अभी ये टर्बाइन जो आपको डायग्राम में दिखाई हुई है ना, ये अभी इन लाइन नहीं है विद द पेन स्टॉक। आप करते क्या हो, जब ये टर्बाइन आपने नाम हाइड्रो पावर बनानी हो, तो आप टर्बाइन को बाई यूजिंग दीज लिफ्ट, जिन्हें हम बोलते हैं हाई कैपेसिटी क्रेन्स, आप इनको ऊपर उठा लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपने इनको यूज़ नहीं करना है, तो आप इनको ऊपर उठा लेते हो यहाँ से, ठीक है ना। और ऊपर उठाकर करते क्या हो आप, कि आप उसे चेक कर लेते हो कि बीच में कोई ख़राबी तो नहीं है, या कोई और ऐसी बात तो नहीं है, मतलब आप चेक कर सकते हो उसको ऊपर ऊपर उठा के, सही है। तो जब ये यूज़ ना हो रही हो तो उसको ऊपर उठा लेते हैं वो लोग, ताकि, और ये यूज़ कब नहीं हो रही होती है, ऑब्वियसली जब यूज़ नहीं हो रही तो उसको कुछ ना कुछ है, तो वो यूज़ नहीं हो रही ना, वैसे तो हर टाइम जो है चल रही होती है। जब इसको ऊपर उठाने का मकसद ये है कि अब इसमें कोई मसला आ गया है, या इसको वैसे इसको जो है ना इसकी सर्विस करनी है, तो उठा लेंगे इसको ऊपर, चेक वेक कर लेंगे, फिर दोबारा इसको जो है वो लोअर कर दिया जाएगा इस जगह पे, ठीक है, जैसे इस टाइम यहाँ पर है, ठीक है, ये लोअर हो जाएगी, फिर ये घूमेगी, इसके ऊपर पानी आके पड़ेगा, घूमेगी ये, ठीक है, और पानी जो है इसके ऊपर लगने के बाद इस पाइप से निकलता हुआ, जिसे हमने ड्राफ्ट ट्यूब बोला है, वो आगे निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और फिर दोबारा से आके दरिया का हिस्सा बन जाएगा, ठीक। तो ये जो एंड पे ड्राफ्ट ट्यूब के ना, ड्राफ्ट ट्यूब के एंड के ऊपर भी एक गेट होता है, ठीक है ना, और उससे भी जो है ना वो क्रेन ही लिफ्ट करती है। तो मतलब तीन गेट हुए, ये गेट, ठीक है, दो गेट हुए सॉरी, एक ये वाला गेट है जो कि पेन स्टॉक का गेट है, और एक ड्राफ्ट ट्यूब वाला गेट है। और क्रेनें कितनी हैं, एक दो और तीन, यानी कि जो जो टेल टेल वाटर है, या जिसे हम जो मैंने बोला ड्राफ्ट ट्यूब से जो पानी निकलता है, एग्जिट कर रहा होता है, उसका गेट भी जो है ना वो लिफ्ट करती है क्रेन, टर्बाइन को लिफ्ट करती है। कब करना है टर्बाइन को लिफ्ट, जब आपने कोई सर्विस करनी है उसकी, उसमें ख़राबी आई है, उसको लिफ्ट किया, चेक वेक किया, उसको दोबारा लोअर कर दिया, उसको लोअर करने के बाद फिर दोबारा गेट को आपने खोलना है, पानी आएगा, उसको घुमाएगा, और पानी यहाँ से जो है ना घुमाने के बाद निकल जाएगा वापस, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर हाइड्रो पावर प्लांट जो है इट वर्क्स। आई होप कि इट अंडरस्टैंड, लेकिन अगर ना हुआ तो आपने मुझसे पूछना, ये बहुत सिंपल है वैसे, इसमें कोई ऐसी कोई समझने के लिहाज से कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये बनाने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब अब इवन आप अंदाज़ा करो कि टर्बाइन जो है, ये चीज़ जो है ना हमारे पास, हमारे मुल्क में नहीं है, ये मैन्युफैक्चर होती नहीं हमारे मुल्क में, ये बाहर से आती है, ये क्रेन्स इवन हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं इसको, इसको जो है ना वो लिफ्ट करने के लिए। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रॉड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। ये था बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट जो है ना उसका वर्क करने का तरीका। अब लो हेड वाले कौन से होते हैं, लो हेड वाले वो होते हैं कि जिसके अंदर जो पानी है ना ये खड़ा हुआ, वो ये जो हेड है पानी का, पानी का हेड क्या होता है, जो दरिया है उसके बॉटम से लेके वाटर के टॉप तक का डिस्टेंस, अगर वो 30 मीटर से कम है तो फिर वो जो है वो क्या है, वो लो हेड जो है ना हाइड्रो पावर प्लांट है। इसमें कितना है, इसमें 50 मीटर है ये दिखाया हुआ जो, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हाई हेड। हमारे पास अभी कौन सा है, अभी है लो हेड, वो क्या है, 30 मीटर हो या उससे लेस हो तो फिर जो है आपने क्या बोलते हो कि बेसिकली जो है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो कौन से वाला है, वो लो हेड है, ठीक है ना। अच्छा, दीज एप्लीकेशन डू नॉट नीड टू, पर ये अगली बात इतनी ज़रूरी नहीं है, आपने पहले समझ लिया कि ये क्या कहता है, बारह मैं पढ़ देता हूँ फिर भी, तो कॉम्प्लिकेशन को जो है ना मज़ीद ख़त्म करने के लिए। पहला क्या है कि लो हेड हाइड्रो पावर एप्लीकेशन यूज़ रिवर करंट्स और टाइडल फोर्स ऑफ 30 मीटर और लेस टू प्रोड्यूस एनर्जी, कि आपने जो है क्या करना है कि जो पानी का हेड है वो 30 मीटर या लेस को यूज़ करते हैं वो लोग टू क्रिएट क्या हाइड्रो पावर। अच्छा, अब कई बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस काम से कि सर अगर उस लो हेड के अंदर अगर ज़्यादा पानी गिरा दें हाइट से तो क्या होगा, फिर वियर एंड टीयर होगी, क्योंकि वो डिज़ाइंड ही नहीं है उस काम के लिए। फिर वही काम है कि अगर आप जो है ना वो CD70 को जो है ना 180 पे ले जा सकते हो वाला, नहीं लेके आ सकते हो, क्योंकि वो डिज़ाइंड ही नहीं है उस उतनी स्पीड के लिए, वियर एंड टीयर हो जाएगी उसकी, ठीक। तो ये बेसिकली है। अच्छा, अगला, दीज एप्लीकेशन डू नॉट नीड टू डैम और रिटेन वाटर टू क्रिएट हाइड्रोलिक हेड, द हेड इज ओनली अ फ्यू मीटर। कहते हैं कि इसमें इस तरह के जो लो हेड होते हैं ना, उनके लिए आपको पानी कहीं दफ़ा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है भाई। अगर आपको 1 मीटर पानी, देखो 30 मीटर लेस है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कहीं जो है ऐसे भी होंगे जो कि 1 मीटर भी हो सकते हैं,
तो 1 मीटर पानी की डेप्थ वैसे ही होती है, खाले के अंदर पानी 2 फुट का होता है, ठीक है ना, जो नहर है उसके अंदर पानी 6 फुट का होता है, तो 2 मीटर अगर 1 मीटर का हेड अप चाहिए आपको और 6 फुट का पानी अवेलेबल है आपको, तो क्या ज़रूरत है पानी को स्टोर करने की, ऑलरेडी पानी की डेप्थ इतनी है कि उसको जो है आप डायरेक्ट भी गिराओगे तो वो जो है ना वो उतनी बिजली बन जाएगी, ठीक है। तो कई दफ़ा इनके लिए जो है इसका मतलब क्या है दूसरे जो है ना वो बात का, कि इन लो हेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है कि आपको जो है पानी को स्टोर करना पड़े, हो सकता है पानी को स्टोर ना करना पड़े, सही है। ना करने वाली बात कब है, जब हेड बहुत ही लो है, 1 मीटर हेड हेड वो तो बहुत 3 फुट की जो है ना वो बेसिकली डिमांड है उसकी, तो 3 फुट का पानी तो बेसिकली किसी खाले में या किसी नहर के अंदर बड़े इजीली अवेलेबल होता है, तो कोई इस मसले वाली बात नहीं उसके लिए, ठीक है। ये तीसरी वाली बात भी इसी है, ये पढ़ लेना यार, क्योंकि इसका इन्वायरमेंटल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, फलाएँ फलाएँ, तो ये भी सिंपल ही है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट मीडियम हेड, मीडियम हेड अब ये देखो, ये और सही समझने वाली बात है। अब अ पावर स्टेशन ऑपरेटिंग अंडर हेड्स फ्रॉम 30 मीटर टू 300 मीटर, क्या मतलब है इस बात का, 30 मीटर से लेके 300 मीटर तक जो बेसिकली है वो मीडियम हेड है, सही है। ये 300 मीटर पानी की डेप्थ आप अंदाज़ा करो, 300 मीटर पानी की डेप्थ कितनी होती है, ऑलमोस्ट 2000 फीट है ये, 2000 फुट पानी जो है वो मीडियम हेड के लिए चाहिए होता है, मतलब ये इतना हाई जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं ये वाले, इतने हाई हेड के ऊपर कि जो डेप्थ है पानी की, अब देखो उसने वैसे भी बड़ी कर दिया डेप्थ यहाँ पे, कि क्या है कि 300 मीटर तक जब पानी की डेप्थ है वो क्या है चाहिए होती है इनको जो है ऑपरेट करवाने के लिए, और ये कुछ छोटे मोटे फिर काम के लिए नहीं इस्तेमाल होंगे, ये किसी शहर को पूरे के पूरे को बिजली देंगे यहाँ से मीडियम हेड के लिए, ठीक है। और जो लार्ज हेड है, हाई हेड है, वो क्या है अबव 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर से, अब आप देखो और करो इस बात पर कि यहाँ पे जो रेजरवायर बनी हुई है उसको दरिया जो है बेसिक दरिया कह रहा हूँ, जो यहाँ पे रेजरवायर बनी हुई है पानी को स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे पानी को स्टोर किया हुआ है किससे, गेट्स वगैरह बना के, ठीक है, और कंक्रीट वगैरह लगा के जो है ना वो कर दिया हुआ है। जो हाई हेड है ना उसका लोड इतना होता है कि कोई मैन मेड स्ट्रक्चर जो है उसको इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको कुदरती स्ट्रक्चर जो है लेना पड़ता है उसके लिए। तो देखो दरिया ये जो है इसकी मरतबा जो लोड है वो कौन ले रहा है, वो माउंटेन ले रहा है, कुदरती जो चीज़ है वो ले रही है इसका लोड, जो इतना शदीद लोड होता है इस पानी का कि कोई मैन मेड स्ट्रक्चर जो है उस पानी को जो है वो उसके ज़ोर को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, सही है। तो आपको कुदरती स्ट्रक्चर जो हैं जिनमें से माउंटेन एक है आपको वो लेना पड़ता है, फिर जाके जो है वो उसका जो लोड है वो बर्दाश्त होता है, सही है। देखो अब इसमें क्या है, ये रेजरवायर है, पिछले में क्या था रेजरवायर, ये थी इसके पीछे बनी हुई, ये रेजरवायर थी, इसमें क्या है ये रेजरवायर है, ये जो है आपका ये गेट लगा हुआ है, इनटेक स्ट्रक्चर जो है आपका, आपने इसे खोलते हो पानी को अंदर लेकर आते हो, यह है सर्ज टैंक। यह सर्ज टैंक क्या होता है, जब पानी इसके अंदर आता है तो कई दफ़ा पानी क्या होता है कि उसके अंदर बढ़िया हाई प्रेशर होता है पानी का, ठीक है ना, तो उतने हाई प्रेशर का पानी अगर आप गिराओगे ना टर्बाइन के ऊपर तो काम ख़राब हो जाएगा, वो पेन स्टॉक को भी फाड़ सकता है, वो पाइप भी होता है ना छोटा सा पेन स्टॉक है उसको भी जो है ना वो ब्रस्ट कर सकता है। तो आप जो है क्या करते हो कि यहाँ पर सर्ज टैंक लगा देते हो ऊपर, फिर कुछ छोटा मोटा प्रेशर अगर इंक्रीज़ हुआ है पानी के अंदर तो वो प्रेशर जो है वो पेन स्टॉक में एंट्री से पहले निकल जाए पैर, ठीक है, पेन स्टॉक में आया फिर जो है आगे वही टर्बाइन और फिर आगे से जो है ना ड्राफ्ट ट्यूब और वही सारा कुछ जो है वो बन के निकल जाता है पानी जो हमने पहले पढ़ा हुआ, सही है। तो ये बेसिकली जो है आपका क्या है, ये आपके हाई हेड है। तो हमने क्या सीखा इस बात से कि 30 मीटर से कम लो हेड, 30 मीटर से लेकर 300 मीटर तक जो है ना वो क्या है मीडियम, और 300 मीटर से ऊपर क्या है बेसिकली जो है ना वो हाई हेड, सही है। और हाई हेड का जो बेसिकली जो क्या कहना चाहिए मुझे कि जो इशू है वो क्या है, इसका इशू ये है कि आपको हमेशा इसके लिए जो जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए ना लोड बर्दाश्त करने के लिए वो मैन मेड नहीं हो सकता, वो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कोई ना कोई माउंटेन ढूंढना पड़ेगा जो उसकी जो है ना वो लोड बर्दाश्त करे पानी का, पानी का लोड जो है वो कोई मैन मेड स्ट्रक्चर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट ये बेसिकली जो है ना वो जिस मैंने पहले बोला था कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन, ठीक है, ये बेसिकली जो है क्या है कि आपका सिंगल स्टेज है या आपका जो है कैस्केड सिस्टम है। काफ़ी कुछ मैंने पहले बता दिया इसके बारे में लेकिन फिर भी कुछ जो है ना अगर क्लैरिफाइड नहीं है तो वो देखो, आपने वॉल खड़ी की और वॉल से जो है इनलेट लिया, यहाँ से इनलेट से पानी आया, टर्बाइन इसके अंदर लगी हुई थी, टर्बाइन को घुमाया, टर्बाइन के साथ कंडक्टर अटैच था, कंडक्टर के साथ जो है क्या अटैच थी, कंडक्टर का एक सिरा टर्बाइन के साथ अटैच था और दूसरा सिरा जो था किसके साथ अटैच था, वो था जनरेटर के साथ। जनरेटर के अंदर जब वो घूमा
विद इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे क्या बनी, बिजली बनी, और पानी जो है फिर ड्राफ्ट ट्यूब से निकल के दोबारा दरिया जाके मिलेगा, ठीक है ना। ये जो एक ही अगर स्टेप है ये वाला, तो फिर ये क्या है, ये सिंगल स्टेज है आपका, और ये क्या है, ये कैस्केड सिस्टम है, ठीक है ना। कैस्केड सिस्टम क्या है कि पहले आपने इसी तरीके को जो है रखा, फिर नीचे दोबारा गया, ये दोबारा जो है जाके उसको जो है ना वो पानी को जो है, जो पानी निकला वहाँ से उसको दोबारा रोका, फिर जो है आपने बनाया उससे बिजली बनाई, फिर जो जाके दोबारा रोका आपने, फिर इसकी बिजली बनाई, और फिर जाके पानी को जो है ना दरिया के अंदर रिलीज़ कर। तो ये कैस्केड सिस्टम है। अच्छा, इसका मैं एक वन लाइनर दूँ आपको, कि अगर कोई पूछे ना आपसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्टेज एंड कैस्केड सिस्टम, मैं बता दूँ कि सिंगल स्टेज और कैस्केड सिस्टम में क्या फ़र्क है। आपसे कोई वन लाइनर पूछे आपसे, तो आप कहते हो कि इन सिंगल स्टेज सिस्टम दे पावर जनरेटिंग, या पावर जनरेटिंग सिस्टम इज लोकेटेड एट वन लोकेशन, कि एक ही लोकेशन के ऊपर जो है ना वो सिस्टम जो है वो बेसिकली पड़ा हुआ, ठीक है, एक ही लोकेशन पर ये सिस्टम जाना पड़ा हुआ। कैस्केड के अंदर क्या है, एट मल्टीपल लोकेशंस, कि आपने एक दफ़ा पानी से जो है ना बिजली बनाई, फिर दोबारा सिस्टम जो है आगे कोई नया रखा, फिर उस पर जो है ना वो किया, तो इस तरीके से जब करते गए हो, दैट इज़ कॉल्ड कैस्केड सिस्टम। कैस्केड का मतलब वैसे ही भी जो है ना वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है ना। कैस्केड को वैसे भी आप क्या बोलते हो, आप स्टेप बाय स्टेप जो है सिस्टम है ना वो बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ख्याल, नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। अच्छा, ये बेसिकली होगी हमारी लास्ट स्लाइड इस पार्ट की, ठीक है, और फिर जो आखिरी जो 4-5 स्लाइड्स हैं वो मैं जो है ना आखिरी वाले पार्ट में जो है बना के आपको वाइंड अप कर दूँगा आज का लेक्चर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, भाई सिंगल पर्पस है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सिर्फ उसका सोल पर्पस क्या है, बिजली बनाना, कोई और पर्पस नहीं है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल पर्पस हो जाएगा। मल्टीपर्पस क्या है आपका, कि आपने जो है ना उससे क्या करना है, ये जो आपने उससे इरीगेशन जो है ना देनी है, पानी को स्टोर करके अपने पानी को जो है ना कहीं पे इरीगेशन देनी है, फिशरीज़ करनी है आपने, ठीक है, या उसको जो है ना वो आपने पिकनिक स्पॉट एक बनाना है, या आपने उससे फ्लड कंट्रोल, बस हाइड्रो पावर का काम नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो पर्पज़ लिखे हैं ये दोनों वाले, ये जो इरीगेशन है और वो जो वो है, ये हाइड्रो पावर के पर्पज़ नहीं है, ये डैम के पर्पज़ हैं, ये निकाल दूँ यहाँ से। तो मैं इसको लिखूँगा बेसिकली पिकनिक, ये पिकनिक स्पॉट बनाना है आपने इसको, ठीक है ना। आगे बोटिंग और फिशरीज, ठीक है, देन सच अ प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, एक मल्टीपर्पज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट है। इरिगेशन जो है और जो दूसरा उसने लिखा हुआ था यहाँ पे, अब मुझे भूल गया वो क्या था, इरिगेशन और जो दूसरा क्या था, आई सिंपली फॉरगॉट, फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन जो है ना, ये दो काम जो है ये डैम, ये हाइड्रो पावर के नहीं होते, ये दोनों काम डैम के होते हैं, तो ये इनके अंदर गलत लिखा होता है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ना आपका सिंगल स्टेज और मल्टीपर्पज़ जो है ना उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो बेसिकली ये डिफरेंस, ठीक है। सो विद दिस आवर प्रेजेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज़ ओवर, अब जो नेक्स्ट है वो लास्ट पार्ट होगा हमारा, सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।